हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस आज की वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी टॉप 333 हंड्रेड थर्टी थ्री क्वेश्चन साइंस शी के इन इंग्लिश तो आज हम कवर करेंगे ह्यूमन बॉडी पे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनस और इस वीडियो में आपको 333 हंड्रेड थर्टी थ्री क्वेश्चनस हम कवर करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन है विच इज द ऑर्गन दैट प्यूरीफाई ब्लड रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है तो वो कौन सा है फ्रेंड्स किडनी तो किडनी आपके जो ब्लड है उसको प्यूरीफाई करता है विच इज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है वो कौन सा है तो वो है फ्रेंड्स लीवर लीवर को हिंदी में यकृत भी कहा जाता है विच इज़ दी हैवियस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन तो सबसे भारी हैवियस्ट ऑर्गन कौन सा है तो वो भी कौन सा है फ्रेंड्स लीवर तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते चलेंगे अगला है वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में विटामिन जो ए है वो कहाँ पे स्टोर होता है तो वो होता है लीवर में स्टोर अच्छा जो विटामिन ए है इसको इसका जो साइंटिफिक नाम है वो ध्यान रखेंगे तो वो क्या है फ्रेंड्स रेटिनॉल है ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं नेक्स्ट है विच इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है टोटल फोर्टी सिक्स अगर पेयर पूछें तो ट्वेंटी थ्री पेयर्स हाउ मैनी डेज इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड क्लॉट जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं उनका जीवन काल कितने दिन का होता है आंसर है वन ट्वेंटी डेज विच इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है टीथ यानी हमारे दांत टोटल नंबर ऑफ़ ह्यूमन बॉडीज कितना है सिक्स थर्टी नाइन वट इज़ दी एच वैल्यू ऑफ़ ह्यूमन ब्लड हमारा जो ब्लड है ह्यूमन्स का ब्लड है उसकी पी एच वैल्यू कितनी होती है सेवन पॉइंट फोर नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी बोन या सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो वो है स्टेपीज विच इज द स्ट्रोंगेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी सबसे स्ट्रोंगेस्ट मसल कौन सी है तो आंसर हो जाएगा मेसिटोर विच टिश्यू कनेक्ट बोन टू मसल कौन सा टिश्यू है जो कनेक्ट करता है बोन को मसल के साथ तो उस टिश्यू को कहती हैं टेंडन वॉट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज कितना होता है अबाउट नाइन्टी परसेंट वॉट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में वाटर का अमाउंट कितना होता है लगभग सिक्सटी परसेंट वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड इन अूमन बींग अगर हम ब्लड के अमाउंट की बात करें तो हमारे शरीर में लगभग फाइव टू तो सिक्स लीटर होता है ब्लड वट इज ओमनी वोरस ब्लड ग्रुप ओमनी वोरस ब्लड ग्रुप कौन सा है तो वो है फ्रेंड्स ए बी पॉजिटिव वट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी सबसे बड़ा पार्ट क्या है स्किन हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन दर्ट ऑफ अ ह्यूमन बींग तो ह्यूमन बींग का जो दिल है हर्ट है उसमें कितनी सेल्स होती हैं आंसर है फोर वट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी सबसे बड़ा जो सेल होता है उसे कहते हैं हम नर्वस सिस्टम अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन तो ह्यूमन का जो यूरिन है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 6.0 पॉइंट जीरो वट इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन द्यूमन बॉडी आंसर इज ट्वेंटी विच इज द एंजाइम फाउंड इन सिलाइवा तो सिलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो उसे कहते हैं टाइलिन वेयर इज बोन कोल्ड टीबिया फाउंड इन दी ह्यूमन बॉडी तो एक हड्डी का नाम है टीबिया ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर जो है ये पाई जाती है तो ये पाई जाती है फीट फीट में अबाउट हाउ मेनी यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी एवरी डे हर एक दिन लगभग कितना यूरिन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है अबाउट वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस ऑन द क्रोमोसोम्स ऑफ दी ऑफ मैन तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि हमें याद रखनी है अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सर्कुलेट ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में देखिए ब्लड को पूरा सर्कुलेट होने में कितना समय लगता है तो आंसर है ट्वेंटी थ्री सेकेंड्स हाउ मेनी टाइम्स डज द ह्यूमन हर्ट बीट तो एक मिनट में सेवेंटी टू टाइम्स जो है बीट करता है हमारा हर्ट विच इज द ब्लड प्रेशर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मीजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं तो आंसर हो जाएगा स्विग्नोमेरोमीटर वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड बींग खाने का जो डाइजेशन है कहाँ होता है कहाँ से होता है फ्रॉम दी माउथ शुरू कहाँ से होता है देखिए तो माउथ से ही शुरू होता है वेयर वट इज द लाइफ पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं एक वाइट श्वेत रक्त कड़ीकाएँ होती हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है जीवन काल है वो दो से चार दिन का होता है वॉट इज द स्टडी ऑफ द ब्यूटी ऑफ मैन कॉल्ड तो उस स्टडी को कहते हैं केलोलॉजी वट इज द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन बींग आंसर इज सिक्सटीन टू एटीन टाइम्स पर मिनट वट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन तो ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो कितना है नहीं भार कितना होता है थर्टीन फिफ्टी टू फोर्टीन हंड्रेड ग्राम वेयर इज द स्ट्रोंगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रोंगेस्ट बोन पाई जाती है वो जो बोन है ह्यूमन बॉडी में वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ द बॉडी वेट हमारी वेट का कितना परसेंट हमारी बॉडी में ब्लड होता है सेवन परसेंट वॉट कॉज इज यूरिन टू स्मेल भाई आपने देखा हो यूरिन में से स्मेल आती है क्यों आती है ड्यू टू यूरिया यूरिया की वजह से वट इज़ द शेप ऑफ डी एन ए कॉल्ड तो डी एन ए की जो शेप है उसे कहते हैं डबल हेलिक्स हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन आर देयर इन द एपिडमिस एपिडमिस में हाउ मेनी लेर ऑफ स्किन कितनी स्किन लेयर होती है स्किन की फाइव विच इज द वीकेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी सबसे सबसे कमजोर जो बोन है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है वो है फ्रेंड्स क्लेविकल या फिर कह लीजिए कोलर बोन विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज द मोस्ट सेंसिटिव बट डजन कंटेन ब्लड वेसल आंसर इज कॉर्निया विच इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आंसर इज सेरेब्रम जो कि सबसे बड़ा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का वेअर रेड ब्लड सेल्स आर मेनली फॉर्म्ड तो जो आर बी सी रेड ब्लड सेल्स हैं वो मेनली कहाँ पर बनती हैं वो बनती हैं आपकी बॉनमेरो में यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी राइट आंसर इज लिवर वॉट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड तो जो ह्यूमन बॉडी में प्योरीफिकेशन ब्लड प्योरीफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे कहते हैं डायलिसिस विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी सबसे लंबी सबसे बड़ी बोन कौन सी है फीमर वट इज़ द एवरेज पी एच वैल्यू ऑफ नॉर्मल पर्सनस ब्लड आंसर इज सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव पी एच एडल्ट्यूमन्स में कितनी बोन होती हैं टोटल टू हंड्रेड सिक्स स्टार्च जो है वो डाइजेशन में मदद करता है तो फूड के डाइजेशन में मदद करने का काम करता है स्टार्च वट काइंड ऑफ टाइस आर द बोन्स ऑफ आर स्कल इंटरकनेक्टेड तो किससे होती क्या होता है फिक्स्ड जॉइंट अगला क्वेश्चन है थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स इज टर्न बाय होम लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है ब्लड क्रैप साइकिल ऑकर्स इन विच ऑर्गन तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया द नंबर ऑफ आर बी सीज इज मोर इन माउंटेन ड्वेलर्स बिकॉज क्यों उनके अंदर आर बी सी ज़्यादा होती हैं क्योंकि द एयर ऑन द माउंटेन इज लेस कंडेंस्ड क्योंकि वहाँ की जो एयर होती है माउंटेन की वो लेस कंडेंस्ड होती है इसलिए आर बी सी की संख्या ज़्यादा होती है हु वॉज द डिस्कवर ऑफ ब्लड ग्रुप्स तो ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था ने अ हग और किस बिटवीन मदर एंड द बेबी इंड्यूस द सेक्रीशन ऑफ विच हॉर्मोन तो आंसर हो जाएगा कौन सा हॉर्मोन है ऑक्सीटोक्स ऑक्सीटोसिन ब्लाइंड डॉट और येलो डॉट आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द आई आंखों के कौन से पार्ट में ब्लाइंड डॉट या कह लीजिए येलो डॉट जो है पाया जाता है वो है रेटिना विच इज द मोस्ट टॉक्सिंग एक्सक्रीटरी सब्सटेंस तो उसका नाम है अमोनिया द लेवल ऑफ़ ग्लूकोज इन द ब्लड इज एक्सप्रेस इन तो ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको हम या तो मिल उसको कहते हैं मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर लीटर आप फ्रेंड्स एक क्विक आपका एक टेस्ट ले लेते हैं आप लोग इनका आंसर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में तो क्वेश्चन है हमारा हाउ मच द ह्यूमन ब्रेन वेट तो ह्यूमन ब्रेन जो हमारा दिमाग है ब्रेन है उसका भार कितना होता है सेकेंड क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड के पी वैल्यू कितनी है ये आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड आंसर इज फ्लूट कनेक्टिव टिश्यू हाउ मेनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम तो हमारी जो पूरी ह्यूमन लाइफ टाइम है उसमें कितने टीथ ऐसे हैं जो दो बार डेवलप होते हैं ट्वाइस है ना दो बार डेवलप होते हैं तो कितने ट्वेंटी वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लैक्सिव एक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी लोकेटेड आंसर इज मेड्यूला ऑब्लेगेटा विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाई मलेरिया मलेरिया में जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो कौन सा है फ्रेंड स्पलीन विच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जिका वायरस तो मॉस्किटो कौन सा है एडीज विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय एल्जाइमर्स डिशीज मान लीजिए किसी को अल्जाइमर डिसीज है, हो गया है तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा तो इससे ब्रेन इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर इताए इताए डिसीज। तो इसमें होता है कैडमियम विच ग्लैंड लीक्स ग्रोथ हारमोन आंसर इस कौन सा ग्लैंड है जो कि ग्रोथ हारमोन लीक करता है पिट्यूटरी ग्लैंड वेयर इज द एक्शन ऑफ बाइल इन दैलब्लेडर वट इज रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड डेंटल फॉर्मेशन तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्टेड द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से कौन सा ब्लड सेल बचाता है प्रोटेक्ट करता है वाइट ब्लड सेल आर एच फैक्टर्स नेम इस रिलेटेड टू विच मंकी तो इस रिलेटेड है विच एनिमल सॉरी तो आंसर है मंकी इन विच ऑर्गन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कम्प्लीट कौन सी ऑर्गन में प्रोटीन का डाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है तो वो है इंटेस्टाइन यानी आंत वट इज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन्स तो टोटल होते हैं थर्टी वन पेयर्स वट इज द इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी वेन गोइंग टू एक्सट्रीम हाइट्स तो आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इनक्रीज जब हम एक्सट्रीम हाइट पे जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है हर्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय विच एलिमेंट हर्ट रेट हमारी जो दिल की धड़कन है उसको कंट्रोल करता है पोटेशियम। वट इज दी अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ CO2 टू इन एयर रिलीज इन रेस्परेशन तो रेस्परेशन के दौरान जो हम एयर रिलीज करते हैं उसमें कितना अमाउंट होता है सी ओ टू का फोर परसेंट ह्यूम्स में क्रेनियल नर्व्स का कितने पेयर्स होते हैं आंसर है ट्वेल्व पेयर्स हीमोफीलिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच जिसमें क्या होता है देर इज़ नो ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता खून का थक्का नहीं जमता खून बहता चल जाता है अगर आपको चोट लग जाती है तो हीमोफीलिया एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है अप्रोक्सीमेटली हाउ डज बीट और अ फ्रीकवेंसी ऑफ हर टेक ज़ीरो पॉइंट एट सेकेंड एनजाइम इज़ अ टाइप ऑफ बायो कैटलिस्ट लाइट वेवस इन द आई एट विच प्लेस टू मसल इम्पल्सिस कन्वर्ट इन टू रेटिनल रेटिनस कौन सा हॉर्मोन है जिसे जानते हैं फाइट एंड फ्लाई के नाम से तो वो है एडन लीन वट इज द डिसीज कॉज बाई एच आई वी एच आई वी की वजह से कौन सा डिशीज होता है एड्स वर्ड शुड नॉर्मली विद द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बींग तो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो दो लाख से भी ज़्यादा की होती है विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है पाइनियल ग्लैंड विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मीजर ब्लड प्रेशर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मीज़र करता है ब्लड प्रेशर को स्विग्नोमैनोमीटर ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है फ्रेंड्स अगर फेरानाइट में बात करें 98.6 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री और कैल्विन में 310 हंड्रेड तो ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है इंसुलिन हॉर्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम विच ऑर्गन इंसुलिन हार्मोन कौन से ऑर्गन से सेक्रेटेड होता है कहाँ से पेनक्रियाज से वेन देयर इज अ डेंगू फीवर देर इज अ शॉर्टेज ऑफ डैश इन द्यूमन बॉडी तो डेंगू में क्या होता है हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं उसकी कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होती चली जाती है जब डेंगू फीवर होता है वह द किडनी डजन वर्क द अमाउंट ऑफ यूरिया इन दी ब्लड इंक्रीजेस इसे क्या कहेंगे इससे कहते हैं यूरमिया तो जब किडनी वर्क नहीं करती है तो जो यूरिया अमाउंट है हमारा वो क्या होता है ब्लड में इंक्रीज होता चला जाता है एलिसा टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई विच डिसीज तो एड्स को पता लगाने के लिए ई एल आई एस ए एलिसा जो टेस्ट है वो किया जाता है विच प्रोटीन इज फाउंड इन नेल्स नेल्स में प्रोटीन पाया जाता है कैरेटीन इफ अ फादर ब्लड क्लासेस ए एंड द मदर ब्लड क्लासेज ओ देन वॉट कैन बी देयर चाइल्ड ब्लड क्लास ब्लड क्लास का मतलब ब्लड ग्रुप से हो गया देखिए अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ओ है तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा आपका ओ वॉट कॉजिज एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा टू बी प्रोड्यूस्ड आंसर इज लिम्फोसाइड्स वट डिस आर लाइकली टू बी कॉस्ड बाय द कंज्शन ऑफ पॉलिश्ड राइस मान लीजिए ऐसे चावल जो पॉलिश होते हैं अगर आप उसे हम कंजर्व कर कंज्यूम कर रहे हैं खा रही हैं तो हमें बेरी बेरी डिसीज हो सकता है हु इज द कैरियर ऑफ प्लास्मोडियम पैरासाइट आंसर इज मॉस्किटो एम की फुल फॉर्म क्या होती है तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बी एम डी टेस्टिंग इज डन टू आइडेंटिफाई हुम तो जो BMD टेस्ट होता है वो ओस्टियोपोरोसिस को पता लगाने के लिए किया जाता है नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स और ये सभी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हम काफ़ी क्वेश्चन कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं पोटेशियम डिफिशेंसी इज एसोसिएटेड विद लो ब्लड प्रेशर हु इन्वेंटेड इंसुलिन अ हारमोन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज तो इंसुलिन को इन्वेंट किया सर फ्रेडरिक बेंटिक ने कॉमन कोल्ड इज कोज बाई विच वायरस कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस की वजह से होता है विच डाइजेस्टिव हॉर्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और उससे कहते हैं हम सेक्रुटिन बाय होम द स्पीड ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस तो हार्ट बीट को हम किसके द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं उसकी स्पीड को तो बाई दी सिम्पेथिक सिंपैथेटिक नर्व अगला क्वेश्चन है विस सबस्टांस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सलेटिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस आंसर इज एंजाइम फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम तो फूड पॉइजनिंग किस बैक्टीरियम की वजह से होता है आंसर इज सेलमोनेले बेसिलिया विच ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल आंसर इज लिवर एनीमिया डिसीज इज कॉज बाय द लैक ऑफ विच न्यूट्रियट एनीमिया डिसीज जो है वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है नेक्स्ट हमारा है फिनाइल केटोन्यूरियर डिसीज इज एसोसिएटेड विद इसका संबंध है मेंटल इनर्शिया से मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन तो फ्रेंड्स जो मोटर स्किल्स हैं वो हमारी फ्रंटल लोब से रिलेटेड है एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफेज हिंड जॉइन इन द्यूमन स्कैलेटन इज फाउंड इन द जंक्शन ऑफ विच बोन्स आंसर हो जाएगा उलना एंड ह्यूमरस विच डिशीज इज कॉज बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड रेट तो अगर हम इन्फेक्टेड रेट बाइट कर ले तो कौन सा डिसीज हो सकता है प्लेग सुल्फा मेडिसिन आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज़ तो सुल्फ़ा मेडिसिन का यूज करती हैं बैक्टीरियल डिसीज़ के ट्रीटमेंट में विच इज़ दी लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट वेन है कौन सी है ग्रेट सेफिनस वेन जो कि हमारे फुट में प्रेजेंट होती है डी पी टी वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट विच डिसीज आंसर इज डाइपथीरिया ब्लैक कफ एंड टिटनेस वट आर दी आर्ट्रीज दैट कैरी ब्लड टू दी तो जो आर्टरीज़ कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट तक उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़ एनोस्मिया इज एसोसिएटेड विद अ डिसीज दैट इज एसोसिएटेड विद अ लैक ऑफ ओलफेक्ट्री सेंसेशन कौन सा ऑर्गन है जो कि अफेक्ट करता है वेल डिसीज़ को तो इसमें जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो है किडनी द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोज़न तो कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है तो ऑर्गन है लिवर ह्यूमंस में डायबिटीज जो है वो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है तो हार्मोन कौन सा है इंसुलिन जिसकी कमी से डायबिटीज होता है क्लोरेस्टोल इज फाउंड इन विच जूस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आंसर इज बाइल विच इज़ द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी आंसर इज कोलोम एंड स्प्लेनिक कैविटी हाउ मोस्ट इंसेक्ट परफॉर्म रेस्पिरेटरी फंक्शन थ्रू दी ट्रैक्चुअल सिस्टम द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज फर्स्ट कंसीडर्ड इन विच ऑर्गेनिज्म नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट जो है सबसे पहली बार कौन से ऑर्गेनिज्म में कंसीडर किया जाता है आंसर इज हाइड्रा द्लड प्रेशर ऑफ एन ओल्डर पर्सन यूजली ज़्यादातर अगर आप देखें तो ओल्डर पर्सन का जो बी पी है वो इंक्रीज यानी बढ़ा रहता है विच हॉर्मोन स्टीमुलेट्स पेनक्रिएटिक टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस हॉर्मोन कौन सा है तो आंसर इज सेक्रुटिन विच ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर कौन सा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर यानि बी पी को कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड वेंटज द हर्ट पल्सेशन ऑफ द ह्यूमन फैटस बिगीन तो कौन से हफ्ते में उनकी जो हर्ट की पल्स है वो शुरू हो जाती है तो आंसर है फोर्थ फिफ्थ वीक हाउ द मसल्स एंड टेंडनस आर अप टू द टॉप आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू वट इज़ ऑपटेंड आफ्टर एक्यूसिस डिकम्पोजिशन ऑफ द फैट बाई लिपेस तो सही आंसर हो जाएगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसिरोल नेक्स्ट इज हैमी कार्डेटा इज एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ द एसोसिएशन सेल क्लस्टर एडीएच एडीएच होता है एंटी ड्यूरेटिक हॉर्मोन कौन सा ऑर्गन है डज द डिसीज कॉज इन अफेक्ट तो इसमें कौन सा ऑर्गन आपका या कह लीजिए अफेक्ट होता है तो आंसर है आइज़ फ्राम विच ऑर्गन डज द फ्रॉग ब्रीथ ड्यूरिंग कोल्ड स्लीप किस ऑर्गन की वजह से फ्रॉग सांस लेता है ओनली फॉर द स्किन की वजह से विच गैस मिक्सचर इज यूज बाय द ट्रैफिक पुलिस टू चेक द ब्रीथिंग ऑफ एन एल्कोहलिक पर्सन किस गैस मिक्सर को यूज करके जो ट्रैफिक पुलिस है वो चेक करती है कि कोई भी एल्कोहलिक बसर आपने देखा होगी उसकी सांस से चेक करी जाती है उससे पता चल जाता है कि वो ड्रंक है या नहीं तो उसमें जो गैस मिक्सर का यूज किया जाता है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड विच ड्रग स्टीमुलेट्स द सेक्रिशन ऑफ यूरिन आंसर इज डाईटिक हंगर एंड सेटिटी इन द ह्यूमन बॉडी आर कंट्रोल्ड बाई विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आंसर इज हाइपोथैलमस विच और हारमोन अगला क्वेश्चन है विच हारमोन इज इंजेक्टेड टू रिमूव मिल्क इन दूडर्स ऑफ एनिमल्स तो कौन सा हॉर्मोन है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन वॉट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिलीज्ड इन ब्रीथिंग तो उसमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है फ्रेंड्स वो होता है अबाउट सेवेंटीन परसेंट विच हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम दी वॉल ऑफ द स्टमक स्टमक की वॉल से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा है गैस्ट्रीन अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द एक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस आंसर इज साइटोप्लाज एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया व्हाट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाई सेल्फ एब्जॉर्बेशन इन ए टी पी मॉलिक्यूल तो ए टी पी मोलिक्यूल में जो एनर्जी है वो जनरेट होती है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर मेन एंड मेन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबोलिज्म सीओ टू एंड प्यूरिक एसिड वट इज द प्रोसेस इन एन एरोबिक रेस्परेशन तो एन एरोबिक रेस्परेशन में क्या प्रोसेस होती है इसमें आपकी एनर्जी क्रिएट होती है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वट इज द ब्रीथिंग टाइम इन ह्यूमन्स अप्रोक्सीमेटली पर मिनट एक मिनट में अगर हम ब्रीथिंग रेट की बात करें ह्यूमन्स में तो कितना होता है ट्वेल्व टू फिफ्टीन टाइम्स वट कॉज इज फलसिस आंसर इज राउंड सिलिकोसिस डिसीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन तो फ्रेंड सिलीकोसिस डिसीज का संबंध किस ऑर्गन से है लंग से विच enzyme इज़ फॉर्म्ड by वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ starch? कौन सा एंजाइम फॉर्म होता है तो एंजाइम का नाम है एमिलज वट इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द हर्ट बीट हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है किसकी? सोडियम की वट इज़ द मेडिकल terminology यूज फॉर लेस स्लीप तो हम जो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं वो है स्लीपलेसनेस विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सपोर्ट्स द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी तो कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स इंटस्टियल शियल न्यूक्लियस मलेरिया विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ पैरासाइट कॉल्ड प्लासमोडिया किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनका नाम क्या था सर रोनाल्ड रोज विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉब्स आर यूज टू आइडेंटिफाइड ट्यूमर्स ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ करते हैं कोबाल्ट के आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है सॉल्व वैक्सीन इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज आंसर इज पोलियो विच इज द एंडोक्राइन हॉर्मोन दैट स्टिमुलेट्स द थारॉयड ग्लैंड टू सेक्रेट थाइरॉक्सिन कौन सा एंडोक्राइन हार्मोन है जो स्टिम्यूलेट करता है थायरॉय ग्लैंड जिससे सिक्रेट होता है थायरॉक्सिन तो आंसर है थायरोइड हारमोन विच हारमोन कंटेन आयोडीन आंसर इज थायरॉक्सिन हु कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द रिवर्सिबल एक्शंस इन द बॉडी बॉडी में रिवर्सिबल एक्शंस को कौन कंट्रोल ए कोऑर्डिनेट करता है तो वो करता है स्पाइनल कोड विच ग्लैंड सेक्रेट्स द मिल्क रिमूवल हॉर्मोन ऑक्सीटॉक्सिन आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड मलेरिया डिसीज़ इज कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म तो मलेरिया डिजीज होता है प्रोटोजोआ की वजह से विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय एफ्लिटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग तो कौन सा ऑर्गन इससे अफेक्ट होता है लिवर जेनेटिक डिसीज़ इज अ जेंडर रिलेटेड रॉयल हिमोफीलिया विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज टू मीजर द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो की स्पीड है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव दोडियम विच डिसीज इज कॉस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ वेसोप्रॉक्सिन हॉर्मोन तो इसकी वजह से जो डिसीज होता है उसे कहते हैं हम ड्यूरेसिस वट इज द एवरेज वेट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट होता है वन पॉइंट थ्री सिक्स किलोग्राम Which hormones stimulate lactation in breast stripes? Answer is oxytocin and prolactin. Pro what is the gender disorder called Down syndrome caused? By the changes in the number of chromosomes. Blood cancer occurs when the number of white blood cells became जो ब्लड कैंसर है वो क्यों होता है जब वाइट ब्लड सेल देखिए हो जाती हैं 12,000 पर सीसी तो उसकी वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है डिलेक्सी इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आंसर इज ब्रेन वेयर इज पैरोटेड ग्लैंड फाउंड तो ये ग्लैंड कहाँ पाया जाता है अंडर द ईयर एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम वट इज द डिसीज़ कॉज बाय द इरेगुलरिटी ऑफ हॉर्मोन्स तो उसके उसे कहते हैं फंक्शनल डिजीज वट कॉज एथलेट एथलीट्स फुट आंसर इज फंगस विच इज द मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स तो इसमें जो ड्रग यूज़ की जाती है उस ड्रग का नाम बताना है तो उसे हम कहते हैं जीडोवडीन जो ड्रग आपकी बहुत ही सुटेबल है एड्स के ट्रीटमेंट में विच ग्रैनुलस प्लांट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर आंसर इज रोवोल्फिया सरपेंटीना एड्स वायरस हु डिस्कवर्ड इट तो जो एस टी एम एल एस टी एल वी थर्ड को डिस्कवर किया था रॉबर्ट गिलो ने इन विच स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज दर्मी फॉर्म अपेंडिक्स फाउंड तो ह्यूमन बॉडी में आ, कौन से स्ट्रक्चर में ह्यूमन बॉडी के पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में विच ऑर्गन नीड्स ऑक्सीजन द मोस्ट कंपेयर टू द ऑल अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी पे कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है बाकी अदर पार्ट्स के कंपेयर कंपेयर में तो वो है ब्रेन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाई ब्राइट डिशीज आंसर इज किडनी वट कॉज ऑक्सीजन टू कम आउट ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन इन टिश्यूज एंड गो इन टू दी साइटोप्लाजमा तो किससे की वजह से ड्यू टू लैक ऑफ ओ टू एंड एक्सेसिस ऑफ सी ओ टू यानी ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की uh, अधिकता आफ्टर टेकिंग फूड

विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड को विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी आंसर हो जाएगा थाइरोइड ग्लैंड वेयर आर द एन्जाइम्स ऑफ ग्लाइकोसिस फाउंड इन दी कहाँ पे साइटोप्लाज्म इन द पेशेंट ऑफ थेलेमिया द बॉडी डजेंट हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज तो बॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं होती टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन किस चीज़ में थैलेसीमिया के पेशेंट में हु डिस्ट्रॉयड फूड बैक्टीरिया इन स्टमक तो स्टमक में फूड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है एस सी एल विच ब्लड ग्रुप ए बीज कंसीडर्ड अवर्सल रिसेप्टर क्योंकि क्यों, क्यों uh, जो है यूनिवर्सल सेप्टर है बिकॉज ए बी डजन कंटेन एंटीबॉडीज़ इन ब्लड ग्रुप व्हाट इज़ द लैक ऑफ वाइट बर्ड इन मेज कमी होती है जिंक की व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन व्हाट इज़ मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन होता है टू रिसीव स्टिमुली एंड सेंड

क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए मेंस ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कलर ब्लाइंडनेस से अ पर्सन हु डजन अंडरस्टैंड वेन ही शुड स्टॉप ईटिंग वट डिसीज़ ही इज सफरिंग फ्रॉम कौन सा डिसीज़ होता है उन्हें बुलिमिया थाइमोसिन इज अ हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किसकी कहाँ प्रोड्यूस होता है ये ग्लैंड में What is the normal range of cholesterol in humans? Answer is 150 to 260 mg per 100 ml. Which systems work as coordination in our body? So answer is nervous and endocrine system. Sickle cell anemia is caused by a pathology of RBC and a red blood cell. Which hormone pills are given as कॉन्ट्रोसेप्टिव मेडिसिन तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन इन वर्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन दॉडी हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइक्रोजन की फॉर्म में होता है हाउ यूरोक्रोम इज फॉर्म्ड तो कैसे बनते हैं ये फ्रॉम हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ मैमल तो मैमल्स में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है फ्रेंड्स वो कौन सा है लिवर इंटरफेरन इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ कैंसर हाउ गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स इन दॉलिसल्स ऑफ द लंग्स तो आंसर हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेयर इज द रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी आंसर इज इन द मेडूला ऑब्लिकेटा एंड पोन्स वट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज फाउंड इन ह्यूमन्स तो ह्यूमन्स में यूरोटेलिक एक्सक्रीशन जो है वो पाया जाता है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ दायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ लोकेटेड है हाइपोथैलमस गैमाग्लोबलिन इंजेक्शन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज तो इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में वट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आंसर इज ग्लूकोज वट इज़ द एवरेज ब्लड फ्लो पर मिनट फ्रॉम द किडनी सही आंसर हो जाएगा वन टू वन पॉइंट टू लीटर पर मीटर वट इज़ एंटीबॉडी आंसर इज ग्लाइकोप्रोटीन पिट्यूट्री ग्लैंड इज फाउंड इन विच ऑर्गन तो पिट्यूट्री ग्लैंड पाया जाता है ब्रेन में वट इज़ दी मोस्ट सीव टू ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट रेस रेसरपाइन यूज टू किस लिए यूज करते हैं हम रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज तो कौन सा सेल है लिम्फोसाइट्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विदाउट ग्रेनुल्स उसे कहते हैं हम प्लाजमा वट कॉज येल्लो वेन डिसीज इन भिंडी तो किसकी वजह से होता है वाइट फ्लाई पाइलिया इज एन इंसेक्ट इन विच क्रॉप ये पाया जाता है शुगर के यानी गन्ने में कौन सा विटामिन है जो पाया जाता है इन द अबेंडेंस इन लीवर ऑयल ऑफ कोड फिश तो इसमें पाया जाता है विटामिन एपिथैलमस इज मेड अप ऑफ विच ग्लैंड आंसर इज स्पाइनियल ग्लैंड हैबीनुला पिगमेंट है जो ह्यूमन स्किन को कलर प्रोवाइड करता है वो है फ्रेंड्स मेले कवरिंग ऑफ द लंग्स इज मेड ऑफ पिल्यूरियल आर्ट विच वन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी सेक्रेटिट सेक्रेट्स hormone एज वेल एज digestive एंजाइम्स तो कौन सा एक ऑर्गन है जो ह्यूम हारमोन्स को भी सेक्रेट करता है एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी तो वो है पेनक्रियाज विच प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड बाय द लिवर तो प्रोटीन्स कौन कौन से हैं फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन द डिसीज इन विच ब्लड कम्स विद यूरिन यूरिन से जब ब्लड आना शुरू होता है तो कौन से डिसीज़ में होता है हीमोटीरिया Which part of the human body is affected by Alzheimer disease? Answer is brain. Sodium chloride is a mainly reabsorption re from the distal coil part of the renal tubulus. Which substance is required for impulse transmission in muscle fibers? So which one Sodium? हाउ मेनी ए टी पी मॉलिक्यूल है नेट गेन इन द ग्लाइकोसिस टेप तो कितना ए टी पी मोलिक्यूल्स कितने टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम जब हम बहुत लंबे समय तक फास्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है हमारी किडनी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लैंगर हैंस आइलैंड आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गन तो ये पाया जाता है पेनक्रियास में कौन सा ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर तो यूनिवर्सल डोनर है फ्रेंड्स ग्रुप ओ और अगर पूछा जाए यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है तो वो ब्लड ग्रुप है ए बी रानी के डिसीज़ इज रिलेटेड टू चिकन्स विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिवर प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम एक्यूलेटिंग इन द ह्यूमन बॉडी तो कौन सा सबस्टांस होता है फ्रेंड्स हिपेरिन गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड इन विच ऑर्गन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं स्टमक में विच ग्लैंड जो कि हेल्प करता है कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है थायरॉइड ग्लैंड वाइट रस्ट इज अ डिसीज ऑफ विच क्रॉप आंसर इज मस्टर्ड वट इज द एज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन जनरल जनरल इनका जो आप कह लो कि एज होती है इनका कार्य का, जीवन काल होता है वो सौ से एक सौ बीस दिन का होता है द ट्रो वायरस ऑफ पेडीज ट्रांसमिटेड बाय ये ट्रांसमिटेड होता है द लीफ होपर ऑफ द ग्रीन लीफ हाउ मेनी ए टी पी मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द द्रैप साइकिल एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितने ए टी पी मोलिक्यूल्स बनते हैं ट्वेंटी फोर ए टी पी मोलिक्यूल्स द लॉन्ग पार्ट ऑफ द न्यूरोन दैट प्रोट्रूट्स इज कॉल्ड आंसर हो जाएगा एक्सॉन विच आर द टू मेजर फंगल डिशीजेज इन वीट सही आंसर है फ्रेंड्स ब्लैक डिशीज एंड मट द न्यू बॉर्न ऑफ मैन इज गिवन द फर्स्ट सेक्रेशन फ्राम द मेमरी ग्लैंड विच इज कॉल्ड जिसे कहते हैं हम कोलोस्ट्रॉम हाउ कोलेस्ट्रोल इज बेनिफिशियल फॉर द बेबी ये प्रोवाइड करता है बेबी को इम्यूनिटी थ्रू होम द होल ब्लड इन द बॉडी इज प्यूरिफाइड जिसकी वजह से पूरी बॉडी का जो ब्लड प्योरीफाई होता है किडनी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट इन विच ऑर्गन आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन इफ द ब्लड क्लास ऑफ बोथ द पेरेंट्स इज ए बी दैन वॉट विल बी पॉसिबल ब्लड क्लास ऑफ देयर चिल्ड्रन अगर दोनों पेरेंट्स का ब्लड क्लास यानी ब्लड ग्रुप ए भी है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बच्चे का ए बी हो या फिर ए बी हो नेक्स्ट देखिए डि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता है टू द लंग्स की लंग्स में वेन से थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिसर डेनेटिक डिसीज थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसीज होता है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स आर डिवाइडेड ह्यूमन ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड होता है जिसे कहते हैं सेरेब्रम सेरेबेलियम एंड ब्रेन स्टेम प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रोजन एक्सचेंज इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया विच हॉर्मोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स द फॉस्फेट एंड कैल्शियम ऑफ द ब्लड तो कौन सा हॉर्मोन है आंसर इज पैरावेटू हाउ मेनी नर्व्स आर देयर इन द स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड में 31 वन पेयर्स होती है नर्व्स की इन्फ्लेमेशन ऑफ द मैमब्रीन्स ऑन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज द सिम्टम्स ऑफ विच डिसीज़। आंसर इज मैनिंग विच ऑर्गन विल नॉट एक्सपीरियंस पेन वेन द नीडल इज प्रिग्ड। तो कौन से ऑर्गन को पेन फील नहीं होता है ब्रेन को ब्लड प्यूरिफाइड बाय द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम और ये होता है पल्मोनरी वेंस के द्वारा विच सब्सटांसिस का वर्ड अराउंड द नर्व सेल ऑफ नर्व सेल्स तो कौन सा सब्सटेंस से कवर होती है मेलिन वट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बींग्स पर हंड्रेड एम एल तो ह्यूमन बींग्स में पर हंड्रेड एम एल में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो है फोर्टीन पॉइंट फाइव ग्राम वट इन एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन दी ब्लड उसे कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया वाई आयोडाइज सॉल्ट इज यूजफुल तो कहते हैं ना कि आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए क्यों क्योंकि ये कंट्रोल करता है थायरॉइड ग्लैंड को वट आर दी इंसेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज कॉल्ड तो उन्हें कहते हैं हम वैक्ट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक वॉल इज कॉल्ड पेरिस्टेलिस बाई विच ऑर्गन यूरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड किस ऑर्गन की वजह से यूरिया ब्लड से अलग हो जाता है किडनी इन विच ऑर्गन डस देयर विल बी नो सेल डिविजन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ ह्यूमन बेबी तो आंसर है नर्व सेल द रेस्परेटरी कोशंट इज मीजर्ड बाई विच इंस्ट्रूमेंट तो इसे मीजर करते हैं हम गेनोंग रेस्प रेस्पिरोमीटर्स के द्वारा ग्लाइकोमा इज अ डिसीज ऑफ विच ऑर्गन तो ग्लाइकोमा डिसीज़ होता है आँखों में वट इज दैमब्रेन लाइक कवरिंग अराउंड द किडनी तो आंसर इज पेरीटोनियम व्हाट कॉज आर आंसर इज द एक्ूमलेशन ऑफ यूरिक एसिड फ्लोइंग इन द ब्लड इन द जॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट वाई ब्र ब्रेस्ट डिफर फ्रॉम बोन कार्टिलेज बिकॉज ऑफ है डट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ ग्रोथ मेमरी एंड रीजनिंग तो इसके लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो Uh, कह लीजिए होता है वो है सेरेब्रम विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन इंसुलिन में मेटल प्रेजेंट होता है जिंक विच ग्लैंडस इन द ह्यूमन बॉडी आर डक्टलेस उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हाउ एनर्जी स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है इंसुलिन में जिंक हार्मोन प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी हैज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है है्यूमन बॉडी में छोटी आंत फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए देर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ विच कॉम्पोनेंट ऑफ एयर इन द रेस्परेटरी प्रोसेस आंसर इज नाइट्रोजन वैन इज द बेसिल कैलमिट ड्यूरिन बी सी जी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड टू द न्यू बॉर्न तो ये आफ्टर बर्थ इमिडिएटली जो है उनको वैक्सीन दी जाती है वट इज द यूनियन ऑफ टू नर्व सेल कॉल्ड दो नर्व सेल जब मिलती हैं उसे कहते हैं सिनेप्स। द अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन अ डे बाय एन हेल्दी ह्यूमन बींग तो एक दिन में जो यूरिन एक्सक्रीट होता है वो अबाउट 1.5 पॉइंट फाइव लीटर कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है जॉन्डिस से वो है लिवर हु इज द ब्रेन डिसीज आइडेंटिफाइड विद द ई जी ई जी मतलब इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ uh, विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इन रेस्परेशन एब्जॉर्ब्स तो कॉम्पोनेंट कौन सा है ब्लड का रेड ब्लड सेल्स इन विच मीडियम इज द टाइल इन एनजाइम ऑफ सेलाइविया एक्टिव इन अडली एडिसिक मीडियम हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन्यूमन स्कल ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एन्जाइम कॉल लिपेस विच डाइजेस्ट जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन किस ऑर्गन से निकलता है लिवर से वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड इन दर्टिवल कोल्ड कोर्ड नेक्स्ट है पोलियो डिसीज इज स्प्रेड बाई ये होता है वायरस की फैलने की वजह से वट इज आर एच इन द्लड तो ये है एंटीजन विच इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी तो आंसर इज मैसेर मसल वट इज़ दी फंक्शन ऑफ ऑर्थोप्लास्टी इन सर्जरी तो ये करता है जॉइंट रिप्लेसमेंट इन एनैरोबिक रेस्परेशन मसल सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज तो मसल सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो ग्लूकोज जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बॉडीज़ में कितने पेयर ऑफ रेब्स होते हैं ट्वेल्व पेयर्स होते हैं एक अडल्ट ह्यूमस की बॉडी में जो वाटर की परसेंटेज होती है वो होती है फ्रेंड 65 फाइव परसेंट वट आर द स्ट्रोंगेस्ट मसल इन द्यूमन बॉडी तो आंसर हो जाएगा जॉ विच मिनरल इज रिक्वायर्ड इन द फ्रीजिंग ऑफ ब्लड ब्लड को फ्रीज करने के लिए जो मिनरल रिक्वायर्ड होता है वो है कैल्शियम आफ्टर इंजरी टू द स्किन इट इट्स रीजनरेशन इट्स डन बाय क्यूबोडल एपिथेलियम वट डज द टेंडन कनेक्ट टू बोन द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन तो प्रोटीन कौन सा है ओसी बाय विच ऑर्गन इज द रेस्परेटरी ट्रैक्ट क्लोज विन स्वेलिंग स्वेलोइंग फूड तो आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं हम पैरेस्टाइलिस द्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल इन द्लड इज़ कॉल्ड एज ल्युकीमिया या फिर कहते हैं इसे ब्लड कैंसर तो जब वाइट ब्लड सेल्स की देखिए संख्या ज़्यादा हो जाती है अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ल्युकीमिया या ब्लड कैंसर हो जाता है वट कॉज डायरिया इन फेंस तो वो होता है रोटा वायरस की वजह से द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉयड रेड ब्लड सेल जो हैं डिस्ट्रॉय खत्म होती हैं स्प्लीन में वट इज़ द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग आंसर इज वन ट्वेंटी पर एटी एम एम एच जी कौन सा प्रोटीन है जो कि बोन्स में पाया जाता है तो फ्रेंड्स उसका नाम है ओसीन। द डिस कॉल्ड हाइड्रोफोबिया इज कॉस्ड बाई राइट आंसर इज वायरस वट आर द मेन सॉल्ट दट हार्ड एंड बोन्स तो बोन्स को मजबूत कौन कौन से सॉल्ट करते हैं इसे फॉस्फेट हो गया ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच ब्लड सेल आर एबसेंट इन लिम्प लिम्प में रेड ब्लड सेल की कमी होती है एबसेंट होता है विच प्रोटीन इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ स्किन हेयर नेल्स हॉर्न् एंड हुप्स तो इसके लिए हेल्पफुल होता है कैरेटिन प्रोटीन व्हाट इज़ द प्रेजेंस प्रेशर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी मोर देन एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर विच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर मेनली फाउंड इन वोन्स आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट वट टाइप्स ऑफ सेल्स फ्राम द मैरोविटी तो आंसर हो जाएगा ओस ओस्टियोक्लास्ट बोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच टिश्यू किस टिश्यू से बोन्स बनती हैं कनेक्टिव टिश्यू हाउ मेनी बोन्स जो इन्फाइंस होते हैं उनमें कितनी बोन्स होती हैं थ्री हंड्रेड विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज दाइस्ट नंबर ऑफ बोन्स सबसे ज्यादा जो बोन्स होती हैं वो हैंड में होती हैं फर्स्ट आवर ऑफ हार्ट अटैक इज नोन एज गोल्डन आवर ह्यूमन स्पर्म में कितने नंबर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं आंसर हो जाएगा ट्वेंटी टू हाउ द एंटायर क्रोमोसोम पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड इन फीमेल्स तो फीमेल्स में कैसे होता है फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वट आर दी बोन्स ऑफ द रिस्ट कॉल्ड रिस्ट में जो बोन्स होते हैं उन्हें कहते हैं कार्पल्स इमरजेंसी हॉर्मोन कहा जाता है एडनलिन को टेस्टोस्टीरोन हारमोन सेक्रेट होता है टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था आंसर इज सेक्रिटिन इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्प सेल फॉर्म्ड तो ये पाया जाता है इन द स्प्लीन में वट इज दी ऑफ द आरबीसी तो ये होता है स्प्लीन विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आयरन वट इज द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट तो ब्लड क्लॉट के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है थ्रोम्बिन वट इज द फंक्शन ऑफ पेस मेकर तो इसका फंक्शन है प्रोड्यूस हर्ट वाइब्रेशंस वेयर आर एच एंटीजेंस आर प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल में अगला क्वेश्चन है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ तो इसकी वजह से डिसीज होता है हाइपोक्सिया वट काइंड ऑफ प्रोसेस इन रेस्परेशन तो फ्रेंड्स आंसर इज कैटाबॉलिक प्रोसेस तो रेस्परेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है कैसी है कैटाबॉलिक प्रोसेस है तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाती हैं यहाँ पे हमने कवर किए हैं 333 हंड्रेड ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो